एक बहुत मेहनती किसान था। अपने खेत की रक्षा करता था, बीज बोता था, फसल उगाता और खूब पैसा कमाता था। बहुत ईमानदार था, अपने काम के अंदर बहुत ईमानदार था। वक्त के साथ साथ उसकी मेहनत और उसकी ईमानदारी बढ़ती गई और आगे जाके वो एक बहुत बड़ा किसान बन गया। फसल बेचता और पैसा कमाता रहता। देखते ही देखते अब उसकी जमीन बढ़ने लग गई, आसपास के खेत खरीद लिए। अब जैसे ही उसने खेत खरीदे तो उसका वर्कलोड बढ़ गया। अब उसको जरूरत थी एक सपोर्ट सिस्टम की, उसको एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत थी। इस सपोर्ट सिस्टम को ढूंढने के लिए उसने सोचा कि अब मुझे ऐसा कोई एक आदमी चाहिए जो मेरी काम में मदद कर सके। तो उसने इंटरव्यू करवाए। इंटरव्यू में 3-4 लोग आए। वो लोग आए, इसने उनसे सवाल किया, ये पूछा कि तुम मेरी कैसे मदद कर सकते हो, तुम मेरी कैसे काम में मदद करोगे, मेरे पास तो बहुत काम रहता है, तुम मेरी मदद कैसे करोगे। तब कुछ लोगों ने जवाब दिया, कुछ लोग चुप रहे। तब उसने फिर पूछा कि अच्छा ये बताओ, तुम लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में क्या पता है। उसने सब समझाया कि तुम्हें इतना मिलेगा, तुम्हें इतनी सैलरी दी जाएगी, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें सिर्फ मेरे एक जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर देना है, बताओ एग्रीकल्चर में तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो। वहां जितने भी लोग बैठे थे उनको नहीं आया और उन्होंने जो भी जवाब दिए वो किसान को इतने ज्यादा पसंद नहीं आए। पर वहां एक लड़का था, उस लड़के ने उस किसान को बड़ा अजीब जवाब दिया। किसान को वो जवाब पसंद नहीं आया, पर उसके उस अजीब जवाब सुन के उस किसान ने उसको रख लिया, उसका सपोर्ट सिस्टम बना लिया। उस लड़के ने उस किसान को जवाब दिया कि आई कैन स्लीप व्हेन विंड ब्लोस, आई कैन स्लीप व्हेन विंड ब्लोस, जब बहुत तेज हवा चलेगी मैं सो जाऊंगा। किसान को कुछ समझ नहीं आया, किसान ने उसको खेत में रख लिया। कि मतलब अजीब अजीब सा आंसर है, किसान को चाहिए था काम और कोई पसंद नहीं आया, उसको रख लिया। दोनों एक साथ काम करने लग गए और जितनी किसान वो पैसा कमाता उतना ही पैसा ये कमा के दे देता किसान को। दोनों एक साथ काम करते और किसान का पैसा बढ़ने लग गया, किसान और बड़ा होने लग गया। जानवर खरीद लिए, आसपास के और खेत खरीद लिए। पर एक दिन बहुत तेज तूफान आ गया। तो जब तूफान आया तो किसान घबरा के उठा रात को और इधर उधर देखा, उस अंधेरा था दिखा नहीं। फटाफट भाग के वो उस आई कैन स्लीप व्हेन विंड ब्लोस के पास गया और कहा, अरे तू कमबख्त सो रहा है, यहां तूफान आया हुआ है, पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी, जानवरों को बांधना है, तू अभी तक सो रहा है। उसने किसान को कहा, मैंने आपको कहा तो था कि जब तूफान आएगा मैं सो जाऊंगा। किसान को कुछ समझ नहीं आया उस वक्त भी, किसान तो घबरा रहा था। उसने फटाफट अपने खेत गया, इधर उधर देखा, जानवरों के पास गया तो जब देखा कि सब जानवर अपनी जगह बंधे हैं, सब सुरक्षित है, उसका खेत सब सही सलामत है। तब पीछे से ये वही आया, आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोस, और किसान को जवाब देता है कि फिक्र मत करिए, जाके सो जाइए, मैंने मेरा काम ऑलरेडी कर दिया है। क्या जवाब दिया, मैंने मेरा काम ऑलरेडी कर दिया है, आप जाके सो जाइए। तब उस किसान को समझ में आया कि आई कैन स्लीप व्हेन विंड ब्लोस का मतलब क्या था। यही चीज है, काम तब मत करो जब परेशानी आए, काम परेशानी आने से पहले ही कर लो। मेरे घर में छाता पड़ा है और मैं बारिश का इंतजार करूंगा छाता लेके निकलने के लिए कि जब बारिश आएगी तब छाता लेके निकलूंगा, उसमें फर्क है जब मेरे पास पहले से ही छाता और
बारिश आ जाए, तब मुझे घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छाता ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही बात है, डिमांड तब क्रिएट करो जब उस चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब जरूरत होगी ना तब डिमांड में इतना ज्यादा मन